a true amphibian animal. Option A, toad. Option B, salamander. Option C, tortoise. Option D, frog. तो जो टोड, सेलेमेंडर एंड जो फ्रॉग होते हैं, ये तीनों ट्रू एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। ये ट्रू एम्फीबियंस में आते हैं बेसिकली, क्योंकि एम्फीबियंस का जो बॉडी होता है ना, एक मॉइश बॉडी होता है, उसके ऊपर स्केल्स नहीं होते, मॉइश बॉडी होता है, इनके ऊपर कोई स्केल्स वगैरह सब नहीं होती है, ठीक है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली, ये सारे फीचर्स होते हैं जो शो करते हैं, ये तीनों शो करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दे आर द ट्रू एम्फीबियन। बट अगर हम इसकी बात करें, टॉर्टोइस की बात करें, तो दिस इज मोर केप्ड इन व्हाट, रेप्टाइल्स, नॉट एम्फीबियंस। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है स्केली बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बॉडी पर स्केल्स होते हैं, दे हैव स्केल्स ओवर देयर बॉडी। सेकेंड, दे ब्रीद थ्रू लंग्स, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एक से ले करते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो इसमें देख सकते हैं अपन कि इसमें जो दो फीचर्स आ रहे हैं, एक ले करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये तो होते हैं एम्फीबियंस के, बट स्केल्स इनके बॉडी के ऊपर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्केल होता है। दैट्स वाई ये स्किन के थ्रू रेस्पायर नहीं करते, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट अ ट्रू एम्फीबियन, ये ट्रू एम्फीबियन नहीं होते। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट ऑप्शन नंबर सी, टॉर्टोइस।